भविष्यवाणी करूं क्या? भविष्यवाणी? किसके बारे में? युवराज के बारे में। युवराज के बारे में? वो तो निसंकोच कीजिए, वो अब जल्दी किले पर नहीं आएंगे। क्या? हमने व्यूह की रचना ही वैसी की है। आपके बाल राजे आज से फैसला करने वाले हैं। फैसले? कैसे फैसले? रायगढ़ के फैसले। बाल राजा फैसला लेंगे? कारण? क्योंकि शंभू राजा गढ़ पे नहीं है, किले पर ना सही लेकिन स्वराज में हैं। दूर हैं वे, इतने भी दूर नहीं कि वे आ नहीं सकते। रायगढ़ पर सिर्फ इतना ही खलीता भेजिए कि हमने कर माफ कर दिया है। खुलासा ना करें, खुलासा उन्हें पूछने दीजिए। हमें देखना है कौन हमें खुलासा पूछता है, हम जवाब देंगे। युवराज की यही सही उम्र है बाल राजे को अच्छे संस्कार देने की। युवराज, हम जब भी रायगढ़ वापस जाएंगे ये सब उन्हें सिखा देंगे। जरूर सिखाएंगे। कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है बाल राजा को, ये उनमें पैदाइशी है। वही तो, कितने शान से आए हैं दरबार में, बिल्कुल महाराज जी के जैसे ही चलने का और बैठने का बिल्कुल वही तरीका है। महारानी जी, इतने छोटे बच्चों में इतना साहस नहीं होता। सही गाना राव जी नाना जी, बिल्कुल ऐसे बहुत ही कम बच्चे होते हैं। वो छत्रपति जी के बेटे हैं ना। वो डरने वालों में से थोड़ी हैं। सही कहा, देखते देखते एक न्यायदान पूरा हुआ। तो अब हम जाएं खेलने? खेलने के लिए? अजी एक और न्यायदान कीजिए और फिर जाइए। नहीं, हम तो अभी जाएंगे माताश्री। अब कौन सा न्यायदान? लगान माफी का। प्रणाम युवराज, लगान माफ किए हुए गांव के लोग आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, बुला लीजिए उन्हें। जी युवरागी, इस लगान माफ करने की वजह से लोगों को जीने की उम्मीद मिली है, इसीलिए तो वो इतने खुश हैं। युवराज, कल जब आप बाहर गए थे ना तो लोग आकर आपके सिंहासन के पैर पर बैठ रहे थे। यानी कि ये लगान माफ करना बहुत आवश्यक था। किस सुबह की लगान माफी का न्यायदान करना है? माताश्री, हम खेलने जाएं क्या? अब जाने दीजिए इन्हें, थक गए हैं ये। महारानी जी, बहुत समय नहीं लगेगा, एक दो गांव का ही लगान माफ किया है। किसने? हमारे सूबेदार ने। वो क्या है ना, तुरंत अगर न्यायदान होगा तो खलीता भेजकर जवाब मंगवा सकते हैं। क्या कर रहे हैं, उठिए आप सब। हमारे पैर क्यों छू रहे हैं? पैर क्यों ना छुए, आपके तो पैर धोकर पानी पीना चाहिए। देखिए युवराज, लगभग एक साल हुआ गांव में कोई त्योहार नहीं मना, लेकिन आपने लगान माफ किया और आसपास के गांव में लगान माफी को लोग त्योहार की तरह मनाने लगे। लेकिन आप में से किसी ने भी हमें ये पहले क्यों नहीं बताया? डर गए थे युवराज। डर गए थे? स्वराज्य में किससे डर रहे हैं आप? एक बात ध्यान में रखिए, आपको हमसे डरने की जरूरत नहीं है। महाराज क्या कहते हैं मालूम है ना आपको, किसी से डरना नहीं चाहिए, किसी के अधीन नहीं होना चाहिए, ऐसा कहते हैं ना जी। तो अभी तक बताया क्यों नहीं, क्यों सहन कर रहे थे आप? प्रजा के छोटे छोटे बच्चे हमारे सामने भूख से चक्कर आकर गिर रहे थे और वहाँ रायगढ़ किले पर अनाज ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उस अनाज का क्या फायदा? अब से एक बात ध्यान में रखिए, स्वराज्य को अपना समझ के रहना चाहिए, पूरे हक से रहिए। जी युवराज। अपनापन दिखाएं तो प्रजा सर पर चढ़ती है ना मोरू पंत? जी हाँ, और स्वराज्य की लगान भी नहीं भरते हैं, इसलिए तुरंत ताकीद देनी चाहिए ताकि प्रजा संभल के रहे। आपको किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, हमारे होते हुए प्रजा को किसी से डरने की या किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगे। पर उनकी खबर लेना यानी क्या करना होगा? कड़े शब्दों में सूबेदार को खलीता लिखना होता है। तो लिख दीजिए ना, पर हमें खेलने जाने दीजिए। वो तो जाएंगे, महारानी जी देखा उन्होंने क्या कहा, कड़े शब्दों में खलीता लिखने के लिए कहा। और कठिन शब्द में लिखे खत से भी काम पूरा नहीं हुआ तो? तो फिर जब्त है ना बाल राजा? कीजिए,
पर हमें जाने दीजिए खेलने के लिए। माताश्री आज्ञा दीजिए। अच्छा ठीक है, ज्यादा दूर मत जाइए। हाँ जाइए आप। बड़े गुणवान है ना बाल राजा। हाँ, और कितने आज्ञाकारी हैं। अजी संस्कार महारानी जी के हैं। आज हम धन्य हो गए। बाल राजा के पहले न्यायदान में हम थे, इसकी बड़ी खुशी है। हमें भी बहुत खुशी हुई, अब हम संतुष्ट हो गए। अब एक साथ दो खलीते निकलेंगे, एक बाल राजा की प्रशंसा का खलीता महाराज के लिए और दूसरा जब्ती का। महारानी जी आज्ञा है ना। जी हाँ। शुरुआत तो बेहतर हुई है। चलिए आज का दिन त्योहार की तरह मनाएंगे। जरूर, आप सभी त्योहार मनाइए, और आपके साथ त्योहार मनाने के लिए हम कल सुबह ही गांव आ जाएंगे। काम बहुत जल्दबाजी का है। जी। प्रभावली के सूबे का लगान माफी का आदेश जो शंभु राजा ने दिया था, उसे राजाराम राजा ने न्यायदान में रद्द किया है। जी। राजाराम राजा ने यानी हमारे छोटे युवराज ने लगान माफी रद्द करके लगान ना देने वालों के घरों को जब्त करने का आदेश दिया है। उस पे अमल करने की जिम्मेदारी अपने आदमी पर सौंपी है। जी, परंतु उसके लिए थोड़ी सेना की जरूरत होगी। श्रृंगारपुर में हमारी एक टुकड़ी तो है ना, उसे साथ लीजिए। हाँ, वैसे भी कोई बीच में नहीं आएगा, गड़बड़ी नहीं मचाएगा, लेकिन सुबह सुबह कार्यवाही की शुरुआत करने के लिए कहिए। जी। बाल राजी, आज आप दरबार में पहली बार उपस्थित हुए। कितने शानदार दिख रहे थे आप। हमारे आंखों में आंसू आ गए। आपको कल्पना भी नहीं होगी, लेकिन स्वराज्य की समस्याओं का एक फैसला आज आपके नाम से हुआ है। सच, हमें बहुत संतुष्टि हुई। बाल राजे, आप जल्दी बड़े हो जाइए, होशियार बन जाइए, बुद्धिमान बन जाइए, कर्तव्यनिष्ठ बनिए। छत्रपति के बेटे हैं आप, आपका नाम चारों दिशाओं में रोशन हो जाए। हम हमेशा आपके साथ हैं। जब महाराज मुहिम से वापस लौटेंगे, तब हम खुद उनके पास आज के फैसले की खबर सुनाएंगे। उनको आपकी तारीफ करते हुए सुनना है हमें। उनको ऐसा बोलना चाहिए, सोयरा रानी जी, हमारे बाल राजे तो हमसे भी ज्यादा होशियार हैं। वो ऐसा बोलेंगे तो हमारा मन खुशी से भर जाएगा। बाल राजे, सब तैयारी हो गई क्या पाटिल जी? हाँ हाँ ठीक है, युवराज जी आ गए। युवराज शंभु राजा की जय हो। युवराज शंभु राजा की जय हो। युवराज शंभु राजा की जय हो।
हमारा गांव बहुत भाग्यशाली है, इसके लिए आपके चरण हमारे गांव में पड़े। हमारे स्वागत की बहुत अच्छी तैयारियां की है। तो क्यों ना करें युवराज जी, कुदरत ने हमारा साथ नहीं दिया लेकिन आपने हमें सहारा दिया, ये हम कभी नहीं भूल सकते। आइए इसके ऊपर से चलकर आ जाइए, हम पर बड़ी मेहरबानी होगी, यही हम गरीब लोगों का गालीचा है। इसके ऊपर से आप चलकर आइए, आइए। पाटिल जी आपको हम पर श्रद्धा होनी चाहिए, लाचारी नहीं। ये पगड़ी आपका मान है, स्वाभिमान है, और मराठी लोगों का स्वाभिमान हम अपमानित नहीं कर सकते, ये छत्रपति की शिक्षा है। पाटिल हम युवराज हैं लेकिन फिर भी एक इंसान है, हमें इंसान ही रहने दीजिए। युवराज शंभू राजा की जय हो। युवराज शंभू राजा की जय हो। युवराज शंभू राजा की जय हो। आने में इतनी देर क्यों हुई? संदेशा मिलते ही मैं तुरंत आ गया हूँ। देखिए अभी के अभी आपको सेवक को हवा की रफ्तार से श्रृंगारपुर भेजना होगा। जी। रायगढ़ किले से जब्ती का जो संदेशा लेकर गए हुए हैं उन अधिकारियों तक पहुंचाइए और जब्ती के आदेश को हटाने के लिए कहिए। जी पंत। हमने ऐसा करने को कहा है, ऐसा बोल दीजिए। ये संदेशा हमारी तरफ से, और ये सब बड़े ही गुप्त तरीके से करना होगा। अब जाइए। जी। पकड़े जाएंगे। सुरनिस, ये खत आपको गुनहगार साबित कर सकता है। यानी कि महारानी जी का, यानी छोटे युवराज का आदेश स्वयं रद्द करने का गुनाह होगा आपसे। हाँ, अब वो तो अपराध है ही, लेकिन फिर भी दूसरी परेशानी तो है ही ना। कौन सी? शंभूराजे जी को इस बात की भनक लग गई तो? उनके लगान माफी के फैसले को हमने बदल दिया है और यह अपराध से कम नहीं है। कल यही अपराध का दंड हमें भी मिल सकता है। और शंभू राजे जी का गुस्सा तो आपको पता है। अजय, उस गुस्से की परवाह हम नहीं करेंगे। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं पंत? अजय, आप भूल रहे हैं, हमने मेहमान की लाठी से सांप मारा है। कुछ समझ रहे हैं शंभू राजा? अगर गुस्सा होंगे तो वो महारानी जी पर गुस्सा होंगे, बाल राजा पर गुस्सा होंगे। समझ में आई बात? युवराज जी, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप हमारे गांव में पधारे हैं। ऐसा मत कहिए बाट, हम हमेशा आते रहेंगे गांव में। हमारा सौभाग्य है, पुरखों का पुण्य है, आपकी परछाई के पास जाना मुश्किल है, लेकिन आज हमें आपके साथ खाने का मौका मिल रहा है। हम भी भाग्यशाली हैं कि प्रजा के साथ खाने का मौका मिल रहा है। सिर्फ साधारण खाना नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं। जी हाँ, और गांव के भगवान के सामने ही हम सब भोजन का आनंद लेंगे। युवराज और युवराज हमारे गाँव में खाना खाएंगे। नहीं भैया, हमने आपको बताया है ना कि हम भी आपकी तरह ही एक इंसान है। इंसान? अजी, आप हमारे देवता के बेटे हैं, आप आके गए इस बात के दम पे हमारी बहुत सी पीढ़ियां जिएंगी। जी हाँ, ये बात तो सच है। पाटिल, मैं पाटिल, बोलिए क्या काम है? रायगढ़ से आपके लिए खलीता आया है। क्या लिखा है? जब्ती का आदेश।
बाल राजे, ऐसे आलसियों की तरह क्यों लेटे हैं? चलिए उठ जाइए। पर हमें नींद आ रही है। अरे देखिए तो, हम आपके लिए ग्रंथ लाए हैं। चलिए उठिए और पढ़िए। आज आपके द्वारा जब्ती का आदेश अमल हो रहा होगा। हमने दिया? इतनी जल्दी भूल गया? बाल राजे, ऐसे खुद दिए गए आदेश भूलने नहीं चाहिए। आपको याद आया? जी माता श्री। आज उन पर कार्रवाई होगी। मतलब क्या होगा? जो लगान भर नहीं सकते, स्वराज्य के कानून नहीं मानते, तो उनके सामान जब्त की जाती है। वो विरोध नहीं करेंगे? विरोध क्यों करेंगे? अरे आपका आदेश है, उन्हें पालन करना ही होगा। पर हमें आलस आ रहा है, काफी देर तक बैठना पड़ता है, फिर हमें खेलने का भी मौका नहीं मिलता। अब खेलना जरूरी नहीं है, न्याय करना जरूरी है। शंभू राजा जब आपके उम्र के थे, तब से न्याय करते आए हैं, उन्हें कभी आलस नहीं आया। फिर हम भी आलस नहीं करेंगे, हम भी बैठ जाएंगे। परंतु माताश्री, हमें बहुत नींद आती है। आदत होगी तो नींद नहीं आएगी, उल्टा आपके निर्णय से अपराधियों की नींद उड़ जाएगी। सच में माताश्री? हाँ सच्ची। आपको विश्वास नहीं हो रहा क्या? राजा के आदेश में बहुत बड़ी शक्ति होती है, और आप तो राजपुत्र हैं, इसलिए आपके आदेश में भी बहुत शक्ति है। इसलिए आपके आदेश का सभी को पालन करना ही होगा। अगर किसी ने पालन नहीं किया तो? क्यों नहीं पालन करेंगे? अरे आप स्वराज्य के छोटे युवराज हैं, और जो भी आपके आदेश का पालन नहीं करेगा तो उन पर कार्यवाही की जाएगी, और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जब्ती का आदेश है? आपकी हिम्मत कैसी हमारे होते हुए ये आदेश दिखाने की? युवराज जी, हम तो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं और कुछ नहीं। चुप! आपके आने से पहले पूरा गांव खुश था, गांव में खुशियों की बारिश हो रही थी, और आपके आने से सब पर पानी फिर गया। युवराज सुनिए, कविराज इनके आने से रंगोलियों के रंग उड़ने लगे हैं, केलों के पत्तों की कमन करके गांव वालों पर दुख के बाण चलाने लगेंगे। युवराज सुनिए, आप इतना नाराज मत होइए, होने दीजिए हमारी जब्ती। और ले जाकर क्या ले जाएंगे? चंद बर्तन ही ले जाएंगे हमारे, आपके पैरों तले की मिट्टी तो नहीं ले जाएंगे ना, उतना काफी है हमारे लिए। क्या बोलते हो भाइयों? जी जी हाँ, बिल्कुल जी, सही है जी। देखा आपने, ये इन लोगों का हमने लगान माफ कर दिया था, और आप यहाँ ये जब्ती का आदेश लेकर आए हो। युवराज सामने हो तो वे जब्ती का आदेश देने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? अंतो जी, रायप्पा, इन्हें बंदी बना लीजिए। अन्नाजी पंत, अन्नाजी पंत। हाँ? कुछ कहा आपने? पंत जी, लगता है आपका ध्यान नहीं है। वहाँ क्या हुआ होगा, इसकी चिंता हो रही है। चिंता तो सभी को हो रही है, यहाँ नींद नहीं आ रही है, क्या बताएं आपको। आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? महाराज जी सक्षम है, वो जरूर विजयी होंगे। हमें भी नाकामयाबी ना मिले। आपकी नाकामयाबी मतलब? अजी हमारी भी लड़ाइयां चलती हैं, कुछ मैदान पे तो कुछ मन में, अंत में जीत की खबर मिले। जरूर आएगी, आप चिंता मत कीजिए। प्रतिस्पर्धी सख्त है, लेकिन फिर भी उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है, अब तक तो वहाँ सख्त विरोध की शुरुआत हो गई होगी। विरोध कहाँ नहीं होता है पंजी, उसकी शुरुआत तो कोपल के किले से हो गई है। वही खत्म करने के लिए मैदान में उतरा हूँ मैं, यहाँ बाजी मारी तो अगली राह आसान होगी। जरूर होगा, रायगढ़ बहुत ही पुण्यवान है। रायगढ़ के बड़प्पन के लिए ही ये सारी मेहनत चल रही है, देखते हैं। खबर जल्दी आए, अच्छी आए। अजी हमने तो नगारे को तैयार रखने के लिए कहा है, खबर आते ही
खुशी का नगारा बजना शुरू। बस इस अन्नाजी के कलेजे को ठंडक मिलेगी। जब्ती का आदेश भेज रहे हैं जबकि हमने लगान माफ कर दिया है। युवराज हमारी बात सुनिए, शांत हो जाइए। शांत हो जाए? कैसे शांत हो जाए? हर वक्त हम ही शांत रहे, हम ही समझौता करें, ऐसा क्यों? युवराज हम पहले निवास स्थान चलते हैं, वहाँ चलकर बातचीत करते हैं। कविराज हमें किसी से कोई भी बातचीत नहीं करनी है। मत कीजिए, लेकिन हमें ये जानना होगा कि उस आदेश में कितनी सच्चाई है। आप देख लीजिए, हमारी इच्छा नहीं है। युवराज कोई गलत फहमी हो सकती है। गलत है? हमारे मामले में ऐसी लापरवाही नहीं हो सकती। रायगढ़ ने जानबूझकर ये संदेश भेजे हैं, वो हम पर काबू पाना चाहते हैं। युवराज देखिए। तो फिर क्या? युवराज के निर्णय को चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? ये बहुत गलत है। बाल राजे के दस्तूरों से हमें जब्ती के आदेश भेजते हैं, ये तो राजनीति है। आप सही कह रहे हैं। मतलब हम जिन्हें हमारे करीबी के समझते हैं उनके ही हाथों से हमें मारना चाहते हैं, ये कैसी इंसाफी है? उन्हें क्या लगता है हमारे भाइयों के रिश्ते में दरार आएगी? शिवाजी के बच्चे हैं हम, अगर मुश्किलें आएंगी हम पर तो हम अलग हो जाएंगे। वो भ्रम में है, भ्रम में। युवराज क्षमा कीजिए, लेकिन सरकारी मुलाजिम को सरकारी काम पर होते हुए गिरफ्तार करना उचित नहीं है। हाँ, और ऐसा करने से वो फिर से होशियार हो जाएंगे। हमारे धीरज का अंत मत देखिए। और दूसरी बात, प्रजा की भलाई के निर्णय में किसी ने भी अगर उसका उल्लंघन किया तो हम रहम नहीं दिखाएंगे। जी, लेकिन आज तक हमारा शुभंकर रूप देखते आए हैं, आप भयंकर रूप देखने की हिम्मत रखिए। शौर्यवान राजसी शत्र बुद्धि वीर आ गया, प्रजा की रक्षा के लिए स्वराज्य का है पढ़ लिए, पिंड दस्त दूर आ गया। आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। आज हमारी सारी खुशियां हैं, सारी तमन्नाएं खुदा ने पूरी कर दी, और इसी दिन का हमें इंतजार था। बेशक मुल्ला अहमद, बेशक। हुजूर हम कुछ समझे नहीं। पांडे सरदार हम समझाते हैं, अब हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। शंभु राजे सिंघारपुर में है, सूखे की वजह से वहां के किसानों का लगान माफ कर दिया है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन रायगढ़ से उनके खिलाफ हुक्म दे दिया गया है लगान वसूल करने के लिए। शंभू राजे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही तो, इस रायगढ़ ने संभा का दिल बहुत दुखाया है। हाँ, दिल भी दुखाया है और अनबन भी हुई है। देखना मुल्ला अहमद, रायगढ़ के ऐसे बर्ताव से शंभू राजे रायगढ़ से दूर होता चला जाएगा, और जब रायगढ़ से दूर होगा तो वहां की आवाम से दूर होता चला जाएगा, और जब वहां की आवाम से दूर होगा तो स्वराज्य से दूर होता चला जाएगा, और जब स्वराज्य से दूर होगा तो हमारे साथ उसकी नजदीकियां बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। जैसे ही वो शिवाजी से दूर होगा तो सिर्फ दिलेर खान के पास आएगा, सिर्फ दिलेर खान के पास। हुजूर आपकी मुराद पूरी होगी। देखना मुल्ला अहमद, संभा बहुत जल्द हमारे पास आ जाएगा। आज स्वराज की कसमें खाने वाला कल स्वराज को मिटाने के लिए तैयार हो जाएगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हाँ, स्वराज मिटाने की दृष्टि से उठाया गया कदम है ये शंभू राजे का। क्या? हाँ, नहीं तो उन्होंने रायगढ़ के आदेश के विरुद्ध जाकर सरकारी मुलाजिम को कैद नहीं किया होता। अजू बहुत गुस्सा थे, किस्मत से युवराज की साथ थी, उन्होंने किसी तरीके से समझाया, वरना आदेश ले जाने वालों की खैर नहीं थी। देखिए देखिए राहुजी सोमनाथ, आपको बहुत अपनापन लगता है ना, देखिए। अजी कैद करके बांध के रखा है आदेश ले जाने वालों को। लीजिए, अब देखिए, रायगढ़ के अधिकारियों को कैद करने तक हिम्मत गई है उनकी, उन्होंने किया आदर रायगढ़ के आदेश का, नहीं करना चाहिए क्या? लेकिन आदर करना तो जरूरी है, आखिरकार रायगढ़ के आदेश हैं। तो फिर अब मुझे बताइए, आदेश की इज्जत क्या रही? सोचने जैसी बात है। अब महारानी जी के सामने कौन सा मुंह लेकर जाऊं, आप ही बताइए। अब
बाल राजे का यह पहला न्यायदान था। उन्हें क्या लगेगा? अजी अब बाल राजा के आदेश को कोई अहमियत नहीं देगा। पंत जी, हमें अहमियत बनाई रखनी होगी। बाल राजे ने जब आदेश दिया तब आप थे ना, फिर ये अच्छी बात नहीं, इसे मनमानी कहेंगे। देखिए राहु जी नाना, और आपको तो मैं बुरा दिखता हूँ। वैसा नहीं है पंत जी, पर जी, और उन्होंने कहा मेरे होते हुए फरमान दिखाने की हिम्मत कैसे की, मैं इस स्वराज का युवराज हूँ। लीजिए देखिए राहु जी नाना, अब मुझे बताइए बाल राजे कौन है। ये सही नहीं, वो बच्चे हैं, छोटे हैं, इसलिए उन्हें दबाना अच्छी बात नहीं। सच बताऊं, मुझे ऐसा लगता है उनके कदम गलत दिशा में जा रहे हैं। श्रृंगारपुर गए और रायगढ़ के विरुद्ध कुश्ती लड़ सके इसलिए अखाड़े खड़े किए, और अब उसके बाद ये बगावत की बात कर रहे हैं, यही लग रहा है मुझे। नहीं नहीं, बगावत कौन कर रहा है? अजी रंग तो नजर आ रहे हैं, दिलेर खान से जब से सलाम अलैकुम आदाब शुरू हुआ है तब से राग रंग कुछ अलग ही दिख रहा है। तो फिर अब? अब महारानी जी के सामने कैसे जाऊं, इसी के बारे में सोच रहा हूं। इसी वक्त रानी जी के पास जाते हैं और उन्हें पूछते हैं, धरा भुआ। और नहीं तो क्या? हम डरते हैं क्या? हम कहते हैं कि रानी जी के होते हुए ऐसे संदेश कैसे आ सकते हैं? ऐसे कैसे युवराज जी के विरोध में खालिता आ सकता है? देखिए ना, गांव वालों के साथ बैठकर भोजन करने वाले थे, उनके साथ बातचीत करने वाले थे, और इसलिए कितने खुश थे युवराज। लेकिन ऐन मौके पर कारकुंजी खालिता लेकर आ गए और सारे किए कराए पर पानी फिर गया। ये बात हमारे दिल पर लग गई है। प्रणाम युवरागी। आइए कविराज। युवरागी, बहुत बुरा हुआ, युवराज नाराज हुए, लेकिन हमने उनको समझाया है। ये अच्छा किया आपने। और सबसे अहम बात यह है कि बाल राजे का न्याय था ये, उनके दस्तखत से खलीत आया था, जब्ती का आदेश आया था। क्या जरूरत थी इस बात में? और कुछ नहीं, सिर्फ घर में दरार डालने वाली बात है और ठेस पहुंचती है युवराज के हृदय को। वही तो, फिर से पुराने जख्मों से खून बहने लगा है। आप जाकर तो युवराज हंसने लगे थे, बोलने लगे थे, और ये हो गया। सच है, बहुरानी जी ने बहुत मेहनत की थी, उन्हें समझाना था और उनका मन बहलाना था, उन्हें लिखने बैठाना था, किसी न किसी वजह से उन्हें हंसाना, और फिर भी जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। हमें बुरा इस बात का लग रहा है कि इसमें बाल राजे को मोहरा बनाया जा रहा है। मगर ये चाल किसकी होगी, कौन होगा इसके पीछे? हम उससे निपट लेंगे, लेकिन आपको यहाँ बुलाने की हमारी वजह ये है कि युवराज को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना है, आप हमेशा उनके साथ रहेंगे। जी युवराज जी, जो हुक्म, चलता हूँ मैं। देखिए तो, अच्छाई पर बुराई का साया गिर गया है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। किसे समझ में आ रहा है? लेकिन धरा भुआ, हमें आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि माता श्री को इसका अंदाजा कैसे नहीं हुआ। अजी महारानी जी, मनमानी कहेंगे तो वो शब्द भी कम पड़ जाएगा, गुस्ताखी चल रही है ये कहेंगे तो भी कम पड़ जाएगा, बदतमीजी कहेंगे तो ये सही है, लेकिन हम कैसे बोले, ऐसा प्रश्न उठता है। क्या हुआ है पंत? क्या हुआ? अजी मैं बता नहीं पाऊंगा और आप सुन नहीं पाएंगी, ऐसी परिस्थिति है। मतलब? अजी स्वयं रायगढ़ का आदेश ठुकराना मतलब अजी रायगढ़ को शून्य मानेंगे क्या? अब बाल राजा की इज्जत क्या रही, आप ही बताइए, बाल राजा को उन्होंने समझ क्या रखा है? अजी छोटे युवराज हैं वो। स्पष्ट बोलिए, हुआ क्या है? अब कैसे बताऊं महारानी जी, जुबान लड़खड़ा रही है,
पंत बोलिए। अजी महारानी जी, बाल राजे का जब्ती का आदेश ठुकरा दिया गया। कौन, किसने इतनी हिम्मत की? प्रभावली के सुबेदार ने। मतलब शंभू राजा ने? जी महारानी जी, एक तो भाई भाई कहते हैं, जान से ज्यादा प्यार करते हैं, और उन्हीं के आदेश को ठुकराते हैं, ये अच्छी बात है क्या? इससे बालराजे की इज्जत क्या रहेगी लोगों में? परंतु हमें ये बताइए, शंभू राजे का लगान माफी का निर्णय कब हुआ था? लीजिए, अजी आपके सामने ही तो हुआ। बालराजे खेलने के लिए जा रहे थे, जाते जाते ही उन्होंने जब्ती का आदेश दिया। वो आदेश शंभू राजे के लगान माफी के विरुद्ध में था? हाँ, आप तब नहीं समझी थी। हमारे ध्यान में अब आ रहा है, उस समय हमें अंधेरे में रखा गया था। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? सुनने में कुछ गलत आया होगा, जब हम बता रहे होंगे तब आपका ध्यान नहीं होगा। ध्यान नहीं था? हर चीज हमें समझदारी से बताने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। फिर कब बताएंगे आप? माफ कीजिए महारानी जी, लगान माफ युवराज ने ही किया था, और इस बारे में हमारी चर्चा भी हुई थी। मुझे लगा आपको बात समझ में आ गई है। कल्पना करके राजनीति मत कीजिए, ये बात अब हमें समझानी होगी। नहीं, लेकिन अब क्या किया जाए? जो हुआ उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, बाल राजा का आदेश क्यों ठुकराया गया, और आदेश ले जाने वाले मुलाजिम को कैद क्यों किया गया? सरकारी रिवाज के अनुसार नहीं है ये। हमारे दस्तकों के साथ पत्र भेजिए, हम शंभू राजे से माफी मांगना चाहते हैं। अब हमारा खत शंभू राजे को नहीं, महाराज को जाएगा। महाराज को क्यों? शंभू राजे ने सरकारी फरमान का अपमान किया, ये बात महाराज को बतानी पड़ेगी। पहले ही हमसे गलतियां हो चुकी है, अब दोबारा हमें इनमें शामिल मत कीजिए। हम महाराज को सूचित नहीं करेंगे। बताना तो पड़ेगा महारानी जी, और बाल राजे के आदेश पर अमल कैसे होगा ये देखना चाहिए। मतलब? मतलब जब्ती के आदेश गए हैं तो जब्ती होनी ही चाहिए। शंभू राजा के खिलाफ जाना होगा? नहीं, कायदे के अंदर रहकर। अरे पर वे भी हमारे बेटे हैं। ये बेटा भी आपका है, आपका अपना बेटा, उसकी इज्जत ज्यादा जरूरी है, वरना खिलने से पहले मसलने जैसा होगा। पंत क्या बोल रहे हैं आप? अब अगर पीछे हटेंगी तो अपने बेटे का नुकसान करेंगी, और इसके आगे के आदेश, हुक्म, न्यायदान, उनका मजाक बनाया जाएगा। इसलिए अब ना मत कीजिए, बाल राजा के भविष्य का विचार कीजिए। प्रणाम युवराज, रायगढ़ से सेवक आए हैं। बुलाइए उन्हें। जी युवराज। युवराज, खलीता लाया हूं। कविराज, आजकल खलीते कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं। कुछ भी होता है तो खलीता भेजते हैं, फरमान निकालते हैं, खत लिखते हैं। ये किसका खलीता है? बाल राजे राजाराम राजे का। बाल राजे का? बाल राजे तो अभी बहुत छोटे हैं। बेशक इसके पीछे, बाल राजे की पीठ के पीछे सुरनिस या फिर मोरोपंत का हाथ होगा। एक की दृढ़ता, एक की महत्वाकांक्षा, है ना? जी युवराज। क्या लिखा है खलीते में? स्पष्टीकरण मांगा है, खुलासा। स्पष्टीकरण?
हमसे स्पष्टीकरण मांग रहे हैं, हमसे। सुरनिस ने अब ये खेल खेलना शुरू किया है। उन्हें लगता है कि हमें कुछ मालूम नहीं पड़ रहा। युवराज, उन्हें क्या लगता है कि वो हमसे स्पष्टीकरण मांगेंगे और हम दे देंगे? हम इन्हें जवाब देंगे। आप शांत हो जाइए। दूत को क्या बताऊं? जब तक शंभू राजे महाराज के आदर्शों पर चल रहे हैं, तब तक वो किसी को भी जवाब देने की जरूरत नहीं समझते। लिखकर भेजूं? मौजूबानी संदेश भेजिए। मौजूबानी? इस तरह के स्पष्टीकरण के लिए स्याही खर्च करने की जरूरत नहीं है। देखिए, स्याही खर्च करने की जरूरत नहीं मोरोपंत। समझ में आया? हम इतने गए गुजरे हैं। जानते हैं, रायगढ़ से गए खत की कोई अहमियत नहीं। पहचान गए, हमारे लिए स्याही खर्च नहीं करेंगे, ये हमारी योग्यता है। हाँ, मलाई उन्हें पसंद नहीं है, खाते नहीं है, जानता था। लेकिन अब उन्हें स्याही भी पसंद नहीं, ये बड़ी अजीब बात है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि शिवशाही में स्याही का महत्व खून से भी ज्यादा होता है। लेकिन वो इसे नहीं मानते और ये राजनीति के अनुसार नहीं है। उन्हें इस बात की तो परवाह ही नहीं। लेकिन क्या ये उचित है? ये उचित नहीं है, लेकिन वो युवराज ही हैं। अजी, लेकिन यहाँ पर भी तो युवराज हैं। उन्होंने मांगा था खुलासा, हमने नहीं। अपमान उनका हुआ है, हमारा नहीं। अरे आप जाने दीजिए पंजी, छोड़िए ये सब। अजी, आपकी आधी उम्र बीत गई, छोड़ दीजिए कहते हुए। छोड़ दीजिए कहते हैं। देखिए, मैं अपनी सेना को लेकर वरान प्रांत जा रहा हूँ, क्योंकि हमारी सेना को सामग्री पहुँचानी है। अजी, आप किसी मुहिम पे मत जाइए, रायगढ़ मत छोड़िए। ये कैसे संभव है?